Good morning class. Today we are going to revise our chapter that is family. Family, आपकी भी family है, मेरी भी family, सबकी family होती है. तो family क्या होती है, कैसी type की होती है और किस family member को हम क्या बोलते हैं, आइए जल्दी से आप revise कर लीजिए एक बार. Family जो होती है mother, father and children, जब ये मिलते हैं तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, family बोलते हैं. Like स्कूल में कौन होता है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं ना, वैसे ही फैमिली में कौन होता है, मदर फादर एंड चिल्ड्रंस होते हैं. लेकिन मदर और फादर को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स. जब आपके स्कूल में मीटिंग होती है तो क्या बोला जाता है कि यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, है ना. ऐसा तो नहीं बोलते कि आप मम्मा को बुलाइए, सिर्फ मदर को बुलाइए या फादर को बुलाइए, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं. तो दैट्स वाई मदर एंड फादर टूगेदर कॉल पेरेंट्स. जो फैमिली होती है बेसिकली वो थ्री टाइप की होती है, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली. स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल फैमिली में 3 से 4 फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, लाइक मदर फादर एंड चिल्ड्रंस, बस इतने ही लोग होते हैं. लार्ज फैमिली में मदर फादर चिल्ड्रंस तो होते हैं, बट इनके अलावा एक फैमिली, दो फैमिली मेंबर और होते हैं, वो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ जब रहते हैं तो हम उस फैमिली को क्या बोलते हैं, लार्ज फैमिली बोलते हैं. और एक फैमिली होती है ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, वो वेरी लार्ज फैमिली होती है, लाइक उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन्स, ये सारे लोग जब एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली. सो आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, है ना, और कजिन्स, अंकल आंटी सब होते हैं. तो कजिन्स हम किसे बोलते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ योर अंकल एंड आंटी. आपके अंकल आंटी के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो आपके कजन्स होते हैं. जैसे कि आपके चाचा चाची के बच्चे हों वो भी आपके कजन है, या आपके मामा मामी के बच्चे हों वो भी आपके कजन्स है, आपकी मौसी के बच्चे वो भी आपके कजन्स है. तो जितने भी आपके अंकल आंटी के बच्चे हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे, कजन्स कहलाएंगे. ओके, सो फैमिली के साथ हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, हम फैमिली के साथ गेम्स खेलते हैं, हम फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं, हम स्टडी करते हैं, है ना, और मदर फादर हमारी हेल्प करते हैं हमारा वर्क करने में, और वी लव ईच अदर, है ना, और अपना वर्क भी शेयर करते हैं. वर्क शेयर करने से हम बहुत ही अच्छा भी फील करते हैं, इसीलिए हमें वर्क भी शेयर करना चाहिए, है ना, इससे कि क्या होता है, इससे सब हैप्पी रहते हैं घर में. सो दिस इज डन, वी हैव डन विद दिस चैप्टर. बाय बाय.